हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द सच किचन। समर सीजन स्टार्ट हो गया और कोविड-19 भी चल रहा है, तो आज हम हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे। सूजी और वेजिटेबल के रोल्स बनाएंगे और बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं फ्रेंड्स। बहुत यमी और बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही अच्छी डिश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हमने एक बाउल में एक कप सूजी ली है और इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक चम्मच ओट्स पाउडर, जिसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और सूजी को भी हमने हल्का सा ग्राइंड किया था। आज हम हेल्दी डिश बना रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे ओट्स पाउडर जो हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। हम लोग डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। अब इसको हम लोग बाइंड करके एक डो रेडी करेंगे। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम लोग इसके अंदर हम लोग डालेंगे कर्ड, जिससे कि हमारा जो डो है अच्छे से बाइंड हो जाए। टीस्पून हम लोग डालेंगे इसके अंदर पानी। अब इसको हम लोग अच्छे से बाइंड करके एक डो रेडी कर लेंगे। सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग हल्का सा ऑयल डालेंगे और फिर इसको अच्छे से बाइंड करेंगे वापस। ये हमारा डो रेडी हो गया है और इसको हम लोग 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये हम लोग रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम लोग फिलिंग की तैयारी करेंगे। सूजी रोल की, तो हमने स्वीट कॉर्न लिया था, उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया। ये देखिए आप, ये हमने लिया 1/4 कप और 1/4 कप ही हमने कैप्सिकम लिए, जिसको हमने अच्छे से बारीक कर लिए, और 1/4 कप ही हमने ली है गाजर, जिसको हमने अच्छे से बारीक कट कर लिए, और 1/4 से कम ली हमने पनीर, जिसको हमने अच्छे से बारीक कट कर ली थी। जिसके अंदर हम लोग डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमने लिया 1/4 टीस्पून, और हम लोग इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का पाउडर डालना है 1/4 टीस्पून, और आधा टीस्पून इसके अंदर हम लोग डालेंगे सॉल्ट। और हमने धनिया को अच्छे से वॉश करके बारीक चॉप कर लिया है। अब हम लोग सूजी रोल की अच्छी सी फिलिंग बनाएंगे। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये हमारी नई थी, हमने रेडी कर ली। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो। मैंने पनीर, गाजर, कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न लिए हैं। आप चीज़ भी डाल सकते हो। अब हमने फिलिंग रेडी कर ली है, इसको हम लोग साइड में रख दें। फ्रेंड्स, हमने जो डो रेडी करके रखा था सूजी रोल के लिए, उसको 15 मिनट हो गए। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे 1 स्पून पानी, 1 स्पून से भी कम, और इसको वापस अच्छे से थोड़ा बाइंड करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑयल। इसको हम लोग अच्छे से बाइंड करेंगे। ये हमारा डो देखो बाइंड हो गया। इसके 2 पार्ट कर लेंगे हम लोग और अच्छे से इसकी लोई बनाएंगे। इसको हम लोग साइड में रख देंगे। वर्किंग प्लेस पे जो हम लोग रोटी का काम करते हैं वो ले लिया। इसके ऊपर हम लोग ब्रश से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे और इसको भी हम लोग ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। अब हमने जो रोलिंग लिया है इसके ऊपर भी हम लोग ऑयल लगा देंगे हल्का सा। अब हम लोग इसको अच्छे से बेल के एक रोल बना रहे हैं, तो अच्छी सी हम लोग लिए
ये हमने जो रोल बनाने के लिए हमने अच्छी सी रोटी बेल ली, अब इसके अंदर हम लोग लगाएंगे पिज्जा सॉस। सॉस लगा दिया, अब इसके अंदर हम लोग फिलिंग करेंगे जो हमने बनाई थी। फिलिंग कर दी, अब इसका हम लोग अच्छे से रोल बना देंगे। ये हमारा रोल बनके रेडी हो गया है, ये देखिए। ऐसे कैसे हमारे जो सूजी रोल बनाए थे वो रेडी हो गए, हमने अच्छे से फिलिंग करके रोल कर दिया। अब हमने एक स्टीमर चढ़ाया था गैस के ऊपर, दो दो मीडियम फ्लेम पे, ये देखिए, इसके ऊपर हम लोग हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देंगे यहाँ पे। करेंगे 15 मिनट के लिए, हम लोग गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इनको अच्छे से स्टीम करेंगे। जो सूजी रोल बनाए थे वो हमारे देखिए अच्छे से स्टीम हो गए, 15 मिनट्स हो गए। अब हम लोग इनको अच्छे से शैलो फ्राई करेंगे। और बिल्कुल हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है फ्राई पैन के अंदर, इसके अंदर हम लोग डालेंगे मस्टर्ड सीड 1/4 टीस्पून, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे पिंच ऑफ जीरा और पिंच ऑफ हम लोग डालेंगे इसके अंदर हींग। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे 4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। जब अच्छे से मस्टर्ड सीड हमारी अच्छे से चटकने लगेगी तब इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और उससे आधा डालेंगे हम लोग हल्दी पाउडर। फिर इसके अंदर हम लोग डालेंगे 4 टीस्पून पानी। इसके अंदर हम लोग डालेंगे धनिया जो हमने अच्छे से कट करके वॉश करके अच्छे से कट कर लिया था, तो हम लोग डालेंगे। अब इसके अंदर हमने जो सूजी रोल को अच्छे से स्टीम किया था वो इसके अंदर हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हम लोगों को लो ही रखना है। ये देखिए हमारे जो सूजी रोल हमने बनाए थे अच्छे से फुल केयरफुली करना है क्योंकि बहुत ही गर्म है। ये हमारे अच्छे से देखो सूजी रोल फ्राई हो गए हैं। अब हम लोग गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। देखिए जो हमने सूजी रोल बनाए थे बहुत हेल्दी और टेस्टी बनाए और हमने अच्छे से इनको सैलो फ्राई कर लिया, बिल्कुल कम ऑयल में बनाया है और हेल्दी चीज़ों से बनाया जो घर में आसानी से अवेलेबल होती है। अब हम लोग इनको कट करके आपको बताएं। रोल बनाए थे हेल्दी और टेस्टी, वो मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाए हैं और बहुत ही हेल्दी बने। ये देखिए हमारे सूजी रोल ऐसे हम लोग सब कट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट की रेसिपी थी हेल्दी सूजी रोल हमने बनाए वेजिटेबल वाले, वो हमारे रेडी हो गए हैं और देखिए कितने यमी और टेस्टी बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।